हमारा भी प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने दो जगह हाँ बोलो बोलो दो जगह हथियार दिए हैं, बोलो फिर से बोल देना अच्छी तरह। दो जगह हथियार दिए हैं, एक एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जैसे होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। ठीक है, इसमें और 14 अप्रैल जो 26 तारीख को जो रैली होगी, उसमें से आधी जो 26 तारीख को बोलेगी, उसमें से आधी लोग घर के होंगे, जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार चार लोगों को बोल 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 कोई बोल आराम से आराम से आराम से आराम बोल। आराम से स्टेज पे जो चार लोग होंगे, जो स्टेज पे चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। चार लोगों की फोटो दे दी गई है, और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का SHO है। वो राई थाने का कौन है, थाने का क्या है? कर दीजिए। हाँ जी, प्रदीप कौन है? प्रदीप थाने में है ना, वही रही थाने का क्या नाम? राई थाने में प्रदीप SHO है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने राई हमने हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो किस कौन कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर हमारे पास नहीं है। 19 तारीख की शाम को 4:30 बजे उन्होंने, मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, इस लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वेंट उतार के काफी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो तू जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया, उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई, उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे, मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे, वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे, अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा उनके।